हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग को बात करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हैविंग मोर देन टू चार्जेस, आई मीन हैविंग थ्री चार्जेस। ओके, नाउ लिसन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हैविंग ऑफ अ सिस्टम हैविंग थ्री चार्जेस। एक उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में तीन चार्ज है। ओके, कैसे करना है सुन लो। जैसे मान लिया आपके पास तीन सिस्टम है, तो आपको यह तो पता है कि एक जब पेयर बनेगा Q1 और Q2 का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R12 होगी। क्लियर है? तो हम लोग देखो, सबसे पहले एक हमारे पास सिंगल चार्ज था Q1, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी obvious बात है पेयर तो बना नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी कुछ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, देखो सुनो, ये हमारे पास Q1 चार्ज है, तो इसकी अभी कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। लेकिन हम इनफाइनाइट से एक चार्ज यहां पे Q2 लाए हैं और इनको R12 डिस्टेंस पे छोड़ दिया है ऐसे, तो यहां पे जो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगी, जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा? U1 की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught Q2 upon R12 होगा, क्योंकि ये इंटरेक्शन एक हुआ इसका, इसके साथ इतना अमाउंट ऑफ वर्क कर लिया आपने। ठीक है, ओके। लेकिन अब जब तीसरा चार्ज लाओगे, तो तीसरा चार्ज का इंटरेक्शन इसके साथ भी एज वेल एज इसके साथ भी, राइट? जब तीसरा चार्ज इनफाइनाइट से ला रहे हो, मान लो आपको यहां तक तीसरा चार्ज लाना है, एक इनफाइनाइट से एक Q3 लिया आपने और Q3 को लाके यहां पे छोड़ दिया, ये Q3 को लाके छोड़ दिया। जब Q3 यहां पे आया, अब सुन लो मेरी बात, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R13, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R13, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम कितनी हो गई? R23, इतनी डिस्टेंस पे लाके छोड़ दिया। अब कितना हुआ? एक तो इसका इंटरेक्शन और एक इसका इंटरेक्शन, मतलब दो पेयर और आएंगे, राइट? तो U2 जो इसमें वर्क करना पड़ा, वो एक तो ये इसके वजह से और एक इसके वजह से, दो इंटरेक्शन हो गए, वो तो पहले ही हो चुका था, राइट? तो ये इसकी वजह से क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught Q3 upon R13 इसकी वजह से। अब इन दोनों का बचा है प्लस 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 upon R23, ये बचा, राइट? तो अब ऑब्वियसली बात है, ये एक सिस्टम बन गया है, तो इस सिस्टम के पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब बोली जाएगी, दिस प्लस दिस, राइट? तो बेसिकली U1 plus U2 बोल सकते हैं, राइट? तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो U की वैल्यू ऑब्वियसली बात है U1 plus U2 होगी। U1 कितना था? 1/4 pi epsilon naught Q2 upon R12 था, और प्लस 1/4, अब U2 कितना है उन दोनों का टर्म, प्लस 1/4 pi epsilon naught Q3 upon R13 प्लस 1/4 pi epsilon naught Q3 upon R23। ओके, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई, तो ये हमारी टोटल एनर्जी, यही हमारा टोटल वर्क है और यही हमारा टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, राइट? अगर चाहो तो यहां से 1/4 pi epsilon naught कॉमन कर लो, U की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught कॉमन कर लो, तो ये कितना आएगा? Q1 Q2 upon R12 प्लस ये कितना आएगा? Q1 Q3 upon R13 प्लस Q3 upon R23, राइट? दिस विल बी पोटेंशियल। ओके, एक चीज और सुन लो, ये जब पहला पेयर बना था
तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q1 इनटू q2 अपॉन r12 था, राइट। लेकिन जब ये आया, जब ये आया तो इसका इंटरेक्शन इसके साथ एज वेल एज उसके साथ, दो टर्म और आ गए, एक टर्म ये, एक टर्म ये, और एक टर्म ये था पहले, तो टोटल तीन टर्म हो गए। ऐसे अगर फोर्थ चार्ज यहां पे आए तो उसका इंटरेक्शन इसके साथ एज वेल इसके साथ एज वेल इसके साथ, मतलब तीन टर्म और एड हो जाएंगे। अभी तो ये तीन टर्म ऑलरेडी है और तीन टर्म, तीन पेयर हो जाएंगे, तो टोटल छह टर्म आ जाएंगे तब, राइट, अगर फोर्थ चार्ज का है, राइट। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटा सा, जो कि बहुत आसान है, एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आपके पास ये एक सिस्टम है, यहां पे चार्ज Q1 है, यहां पे चार्ज Q2 है, यहां पे चार्ज Q3 है, और यहां पे चार्ज Q4 है, और ये सारे A A डिस्टेंस पे हैं। A डिस्टेंस ये है, A डिस्टेंस ये है, A डिस्टेंस ये है, और A डिस्टेंस ये है, ये सारे A A डिस्टेंस पे, राइट। ऑब्वियस बात है ये A रूट टू होगा। तो पहले तो क्लियर है, मैंने चार चार्ज का बताया, फोर चार्ज का, तो ऑब्वियसली बात है टोटल इसमें छह पेयर आएंगे, सिक्स कॉम्बिनेशन आएंगे, ये ए डिस्टेंस पे, ये ए डिस्टेंस पे, ये ए डिस्टेंस पे, ये ए डिस्टेंस पे, चार पेयर होंगे जो ए ए डिस्टेंस पे होंगे। और ये चलो एक काम करो, क्यू क्यू ले लो सारा, आपके लिए आसान रहेगा, क्यू क्यू ले लेते हैं सारे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम एज शोन इन फिगर, राइट। तो उसमें देखो फोर पेयर होंगे जो कि ए डिस्टेंस पे होंगे, और टू पेयर होंगे जो कि ए रूट टू डिस्टेंस पे होंगे, राइट। छह से ज्यादा होंगे नहीं, क्योंकि पहले आप इसको रखोगे, ये लाओगे तो एक पेयर हो जाएगा, जब ये लाओगे तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, दो पेयर और हो जाएगा, तीन हो गए, जब ये लाओगे तो एक दो तीन और, तीन तीन छह हो गए, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं यू की वैल्यू फोर पेयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन ए, ये तो फोर पेयर का हो गया, ए डिस्टेंस वाले इसका काम हो गया। अब ये और बचा, इसमें दो पेयर हैं, प्लस 2 इनटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू अपॉन ए रूट टू, राइट। तो इतना हो गया, आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन मिल जाएगा, तो 4 प्लस 2 बाई रूट टू, 2 बाई रूट टू का मतलब 1 बाई रूट टू, राइट। ओके, ये नेट इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, खत्म हो गया, राइट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपॉन ए इनटू 4 प्लस 1 बाई रूट टू, इतने जूल, अगर कूलॉम में चार्ज है इतने जूल में हो जाएगा, क्लियर। नॉर्मल सा है, और इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो जूल होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू होगा। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होता है, तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर होती है, राइट। ये एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होता क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में रख दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेगा उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, वन इलेक्ट्रॉन इन वन वोल्ट, ऐसे बोल सकते हो, वन इलेक्ट्रॉन इन वन वोल्ट, राइट। तो उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू सो मच।